हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई हो फ्रेंड्स कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो लेकर के आ चुकी हूँ मैं ओल्ड दुपट्टों से। तो आपके यहाँ पे ओल्ड दुपट्टे हों या न्यू दुपट्टे हों, सारे यहाँ पे यूज़ में आएंगे, क्योंकि इसमें जो है आज कोई भी कट नहीं लगाने वाली हूँ, कोई भी कटिंग वटिंग सिलाई वलाई कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं। तो आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो बताने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने एक ब्लाउज का पीस लिया है। आप यहाँ पे दुपट्टा ले सकते हैं, अपना स्टॉल ले सकते हैं कोई भी। तो इस तरीके का जो है, अगर आपके पास ब्लाउज पीस पड़ा है तो आप उसका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास पड़ा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने कहा चलो इसी से मैं आप लोगों को आइडिया शेयर कर देती हूँ। तो इसको देखिए मैंने खोल लिया है, और खोलने के बाद इस तरीके से बिछा लिया है, और इसका एक कोना पकड़ना है, उसके बाद दूसरा कोना पकड़ना है, और इस तरीके से देखिए इसमें एक नॉट लगा देनी है, और सिंगल नॉट ही हमें इसमें लगानी है देखिए इस तरीके से, और इसको छोड़ देना है। इसके बाद हमें दूसरे साइड में करना है इसको, और दूसरे साइड में भी सेम तरीके से हमें इसमें अच्छे से कस के नॉट लगानी है, और एक ही नॉट लगानी है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं दोनों नॉट हमारी लग गई हैं दोनों साइड की, और अब हम इसको अच्छे से खींच लेंगे और इस तरीके से रख लेंगे। और अब हमें क्या करना है, देखिए दोनों के एक पकड़नी है हमें, यहाँ पर नॉट को इस तरीके से लगा देना है, छोरों को देखिए अच्छे से यहाँ पे दो नॉट लगानी है टाइट करके, यहाँ पे एक नहीं लगानी है। और देखिए इस तरीके से हमारा प्यारा सा छोटू सा क्यूट सा बिना स्टिचिंग का और बिना कटिंग का जो है प्यारा सा एक पर्स बन के तैयार हो गया है। तो अगर आप कहीं बाहर में हो और आपके पास कुछ भी इस तरीके का सामान रखने के लिए नहीं है, तो अपना स्टॉल का यूज़ करके आप यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मिनी पर्स बना सकते हैं एकदम झटपट से। और अगर कुछ इस तरीके का पड़ा है तो आप उसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये एक सिर्फ आइडिया था, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर हम दूसरा आइडिया देख लेते हैं। तो देखिए दूसरे आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे फिर से जो है एक सिल्क का कपड़ा लिया है। आप यहाँ पर सिल्क की चुन्नी ले लीजिए या स्टॉल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए डबल फोल्ड में रखा है, तो चुन्नी वगैरह भी काफ़ी बड़ी होती है, तो यहाँ पे डबल फोल्ड में आपको रखना है इस तरीके से और बिछा लेना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने कोना पकड़ा है, इसको अच्छे से नॉट लगा देंगे एक नॉट, और इसके अपोजिट साइड का दूसरा कोना पकड़ेंगे और इसमें भी एक नॉट लगा देंगे इस तरीके से। देखिए दोनों नॉट हमारी लग गई हैं। अब हम दोनों को इस तरीके से पकड़ के एक और नॉट लगा देंगे, अच्छे से टाइट करके दो नॉट लगा देंगे, और जो बचे हुए कोने हैं उनको भी इस तरीके से देखिए अच्छे से हम यहाँ पे दो टाइट नॉट लगा देंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो एक और प्यारा सा पर्स हमारा बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए कितना प्यारा है, ये भी बहुत ही यूज़ का है, और देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है, एकदम झटपट बन जाता है, और आपको कुछ भी इसमें खर्चा नहीं करना पड़ा या ना भी कोई सिलाई करनी पड़ी। तो इस तरीके से देखिए आप इसको यूज में ले सकते हैं। तो ये वाला आइडिया कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिर आइडिया नंबर थ्री देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आइडिया नंबर थ्री में मैंने यहाँ पे एक और कपड़ा लिया है, ये भी सिल्क का है। तो आप यहाँ पे कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, और सिल्क का कपड़ा मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसकी थिकनेस थोड़ी अच्छी होती है, तो इस वजह से मैं इसको ले रही हूँ। आप भी अगर चाहो तो सिल्क का ही ले सकते हो, वैसे किसी से भी बन जाएगा। दूसरे किसी अदर कपड़े से बनने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा इतनी फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगा, तो सिल्क के कपड़े से अच्छा बनेगा। तो आप ट्राई करिएगा कि सिल्क का दुपट्टा ही लो। तो यहाँ पे दो टाइट नॉट लगा दी मैंने देखिए अच्छे से, और यहाँ पे गैप दिया है मैंने, बिल्कुल नीचे तक टाइट नॉट नहीं लगाई है। और दूसरे वाले में भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे, देखिए ऊपर ऊपर में दो नॉट लगानी है, बिल्कुल नीचे तक नहीं लेके जाना है हमें। और देख सकते हैं दोनों साइड की नॉट हमारी लग चुकी हैं, और अब हमें इसको देखिए क्रॉस में इस तरीके से निकाल देना है। निकालने के बाद हमने यहाँ पे देखिए अपना वही पिन लगा दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा छोटू सा हमारा एक और पर्स बन के रेडी हो गया है। तो इसको भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला आइडिया कैसे लगा ज़रूर बताना। तो देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, तो तीनों पर्स बहुत ही प्यारे बन के रेडी हुए हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर देखिए फोर्थ आइडिया के लिए ले लिया है, एक हमारा जो है यहाँ पर शिफॉन का, आप बोल सकते हो दुपट्टा है शिफॉन का है या जो भी है कॉटन का है, बहुत पतला है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए एक जो है क्वेश्चन रख लिया है, और इसको इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे कोनों को मोड़ देंगे। तो इसमें जो टसल्स लगे हैं ये बहुत ज़्यादा मेरे यूज़ में आने वाले हैं, तो आप भी ट्राई करिएगा कि आपकी कोई लेस वाला या कोई टसल वाला इस तरीके का दुपट्टा है उससे वाला आइडिया बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा। तो देख सकते हैं मैंने इस तरीके से सेफ्टी पिन लगा दिया है, और ये जो लास्ट का बचा है इसी से मैं जो है इसको फाइनल करूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से जो टसल हैं इसके आगे मैंने कर दिए हैं, तो बहुत अच्छा लुक आ गया है। अब यहाँ पे हमने अंदर की साइड सेफ्टी पिन लगा दिया है, और इसको हम देखिए डेकोरेट करके दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो
तो चलिए फिर नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे चार फोल्ड में देखिए अपने दुपट्टे को बिछा लिया है और दो फोल्ड को उठा करके इसके अंदर मैंने पिल्लो को रख दिया है। इस तरीके से देखिए जो हमारा कुशन था इस तरीके से रख दिया है, अच्छे से सेट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको इस तरीके से मोड़ देंगे। देखिए तो पूरा यहीं तक मोड़ देंगे जहाँ तक हमारा दुपट्टा बच रहा है, इस तरीके से मोड़ देंगे ये देखिए। और मोड़ने के बाद जो हमारा ये बचा हुआ पार्ट है ये देखिए हम किसको किस तरीके से यहाँ पे करेंगे, आप देखिएगा अच्छे से तो समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए एक हमने यहाँ पे फोल्ड किया और अभी जो बाकी बचा हुआ है इसको एक और फोल्ड करेंगे। तो आपका जितना बड़ा है उसके हिसाब से आप अपनी फोल्ड यहाँ पे करिएगा। और इसमें भी जो हमारे टसल्स लगे हुए हैं ये इसको हम यहाँ पे यूज़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने अच्छे से एडजस्ट करके यहाँ पे दो सेफ्टी पिन लगा दिए हैं और देखिए अब कितना प्यारा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन के तैयार हो गया है। तो ये वाले आइडिया कैसे लगे आप लोग ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने एक और शिफॉन का दुपट्टा लिया है, तो आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे कॉटन का, सिल्क का, शिफॉन का, जो भी आपके पास पड़ा है। और अच्छा प्रिंट था इसका तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है, दोनों साइड से इसको इस तरीके से यहाँ पे देखिए मोड़ दिया है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का पिल्लो लिया है, आप बड़े साइज़ के पिल्लो को आप इस तरीके से देखिए कवर कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं रेंट पे रहते हैं या पीजी वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा सामान इकट्ठा करना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है, तो इस तरीके से आप देखिए फटाफट से घर में इस तरीके के पिल्लो कवर बना सकते हैं झटपट से। दुपट्टे तो हर किसी के पास रहते ही हैं, ये देखिए इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर देंगे और दोनों तरफ सेफ्टी पिन लगा करके इसको रेडी कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा यहाँ पे पिल्लो कवर बनके रेडी हो गया है, देखिए बिना सिलाई मशीन के और बिना कटिंग के जब चाहो दुपट्टे को आप निकालो और इसको यूज़ कर लो। तो देखिए इसका फाइनल लुक कितना प्यारा आया है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। तो अभी हम नेक्स्ट आइडिया को देख लेते हैं। देखिए फिर से हमने वही कपड़ा लिया है, इस तरीके से इसको रखा है पिल्लो को और इसको इस तरीके से मोड़ेंगे और दूसरे पार्ट को भी ले लेंगे, उसको भी हम इस तरीके से मोड़ देंगे। देखिए दोनों साइड से हमारा मुड़ गया है, मुड़ने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है देखिए अच्छे से यहाँ पे सेट करना है और यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप दे देनी है इस तरीके से। देखिए तो दोनों साइड हमें इसी तरीके से ट्रायंगल शेप दे देनी है देखिए, और इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है अच्छे से, कोई भी हमारा यहाँ पे कॉर्नर वगैरह जो है ख़राब ना दिखे, अच्छे से यहाँ पे देखिए एडजस्ट कर देना है। और एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से इसमें पिन लगा देनी है ये देखिए। तो अगर आपके पास इस तरीके की पिन नहीं है तो आप अंदर के साइड से पिन लगा दीजिएगा, कोई सी भी चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं दूसरे आइडिया में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखिए एक सिल्क की जो है काफ़ी बड़ी सी चुन्नी ली है। तो आप अगर कार्डबोर्ड छोटा ले रहे हैं तो छोटी चुन्नी चलेगी, बड़ा ले रहे हैं तो बड़ी, तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। तो मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है जो कि पड़ा हुआ था ख़राब, तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से अरेंज कर दिया है दुपट्टे को, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे जो कॉर्नर है ना इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है, देखिए जो इसको एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको अंदर की साइड करते हुए इस तरीके से हम इसको कर देंगे। तो इसमें भी कोई सिलाई मशीन का यूज़ नहीं किया है हमने, ना कोई यहाँ पे फेविकॉल वगैरह कुछ नहीं किया, बस इस तरीके से कोई भी कार्डबोर्ड या फिर बच्चों की इस तरीके की नोटबुक का जो कवर होता है वो आपको लगा देना है। और बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र हमारा बन के रेडी हो गया है, तो इसमें आप बच्चों के टॉय रख दीजिएगा या फिर जो है अपने कपड़े वगैरह, शर्ट वगैरह, इस तरीके से दुपट्टे वगैरह देखिए मेरी तरह आप जो है यहाँ पे अरेंज करके रख सकते हैं अपने अलमारी में। तो आप ये वाला आइडिया कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से देखिए फ्री का ऑर्गेनाइज़र हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं हमारा, कॉटन के दुपट्टे से आप दुपट्टा कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हमें देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछाना है, ये देख सकते हैं, और अपनी कोई भी कुर्ती यहाँ पे रखनी है जो भी आप पहनते हो आपको फिटिंग है, तो इस तरीके से सीधा ही रखना है कुर्ती को, इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लेना है देखिए ऐसे। तो हमें अच्छे से इसको मार्किंग कर लेनी है देखिए दोनों साइड से और गले से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने किसी भी बेकार पड़े हुए दुपट्टे से जो आप यूज़ नहीं कर रहे उससे बहुत ही बढ़िया काफ्तान कुर्ता बना सकते हैं अपने घर पे आराम से। अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई अगर आती है तो भी आप बना सकते हैं, या फिर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप अपने टेलर से बनवा सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इसको सिर्फ गले की कटिंग करनी है, बाकी हम सुई धागे से भी कर लेंगे। तो हमारा ये देखिए इस तरीके का काफ्तान कुर्ता बन के रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।
तो अभी देखिए मैंने दुपट्टे को इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछा लिया था और नीचे से मैंने सेफ्टी पिन लगाए हैं। आपको यहाँ पे स्टिचिंग करनी है हाथ से या फिर जो है सिलाई मशीन से। मैं सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया दे रही हूँ फ्रेंड्स, मेरे पास इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र बहुत सारे पड़े हैं तो मेरे को इसकी नीड नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ। तो देखिए इसको इस तरीके से बिछाना है और आपको यहाँ पे कोई हैंगर ले लेना है। हैंगर नहीं है तो इस तरीके कोई स्टिक लेके आप रस्सी बांध करके देखिए इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके कई सारे यूज़ हैं, आप इसको जो है अलमारी की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर जो है आप इसको आप अपने वॉशरूम में पीछे लटका दीजिए दरवाजे के, तो आप यहाँ पे गंदे कपड़े वगैरह रख सकते हैं, लॉन्ड्री बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़े से कपड़े रख करके आपको टांग कर दिखाऊंगी, देखिए किस तरीके से बन के ये रेडी हुआ है। तो बिल्कुल फ्री का आइडिया है, एकदम जुगाड़ू है। आप अगर कहीं बाहर में रह रहे हो और अलमारी नहीं है तो इस तरीके का जुगाड़ आप कर सकते हो, सिर्फ एक जुगाड़ है जो आप लोग को बता रही हूँ मैं। तो अभी नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने देखिए यहाँ पे जो है एक बेडशीट लिया है। आप यहाँ पे कोई भी ख़राब बेडशीट या फिर कोई पतला ब्लैंकेट ले सकते हैं और इस तरीके से देखिए इसको रखना है दुपट्टे के ऊपर और दुपट्टे को नीचे से खींच लेना है और फिर उसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा दुपट्टा है उसको अच्छे से यहाँ पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छे इसको ट्विस्ट कर देंगे। देखिए इस तरीके से ट्विस्ट करके और जो भी एक्स्ट्रा है उसको अंदर घुसा देंगे और पीछे की साइड से हम इसको पकड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से पकड़ करके और यहाँ पे हमें एक रबड़ बैंड लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं फ्री का यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा गोल वाला हमारा पिलो कुशन जो भी आप बोल सकते हैं वो बन गया है। और अभी हम अगला देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक ब्लैंकेट को यहाँ पे रोल कर लिया था, आप कुछ भी यहाँ पे रोल करके रख सकते हो। और इसको देखिए यहाँ पे दोनों साइड रबड़ बैंड लगा दिया है, इस तरीके से बांध दिया है इस कपड़े को। तो आप दुपट्टे को इस तरीके से रखिएगा और अब हमें इसको देखिए सीधा कर लेना है। इस तरीके से सीधा करने के बाद जो भी हमारा यहाँ पे अगर आप पिल्लो के लिए बना रहे हो गोल वाला पिल्लो तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। मैं यहाँ पे अपना जो ब्लैंकेट से बनाया है वही रख रही हूँ, तो आप अपने पिल्लो वगैरह के लिए बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। देखिए बिना सिलाई मशीन का गोल वाला पिल्लो कवर हमारे यहाँ पर बन के रेडी हो गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। तो यहाँ पर देखिए एक मैंने मूड़ा लिया है और मूड़े को आप यहाँ पर देखिए ये इसमें दुपट्टे के साथ बहुत अच्छा यूज है इसका। आप यहाँ पे कोई स्टूल ले सकते हैं, मुड़ा ले सकते हैं या फिर कोई नहीं है आप सिलेंडर के साथ भी ये वाला आइडिया कर सकते हैं। तो जहाँ तक इसकी हाइट थी मैंने दुपट्टे को वहाँ पर रबड़ बैंड लगा लिया है देखिए अच्छे से। और लगाने के बाद आप चाहो तो इसको उल्टा करके इस तरीके से आप ढक सकते हो देखिए, या फिर आप सीधा करके रखना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। देखो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर यूज़ में ले लेंगे। और अगर आप इसको और अच्छे से करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई अपना गोल पिल्लो है आपके पास तो वो रख सकते हैं, कोई इस तरीके का अच्छा सा कोई कपड़ा है आप जिसको बिछाना चाहते हैं वो भी बिछा सकते हो। तो देखिए कितना प्यारा लुक आया है इसका। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।